हेलो गाइस, दिस इज सुमित एंड वेलकम टू एस एस फिल्म। सो गाइस, अभी मैं हूँ गोवा में और कल हम लोग थे IBW यानी कि इंडिया बाइक वीक के इवेंट पे। आज हम जा रहे हैं गोवा एक्सप्लोर करने, यानी दोपहर तक ही एक्सप्लोर करेंगे गोवा को और फिर यहाँ से निकल जाएंगे टूवर्ड्स गोकर्णा। थोड़ा बहुत काम भी है गोवा में तो वो भी निपटाएंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने बाइक का ऑयल चेंज करवाने और ललित गया है अपने बाइक का ऑयल चेंज करवाने है, और फिर यहाँ से होटल से अपना लगेज उठा के मैं और ललित निकल जाएंगे टूवर्ड्स गोकर्णा। तो गाइज, अपनी बाइक में ऑयल चेंज करवा के फिर मैं गया टूवर्ड्स रॉयल इनफील्ड कैफ़े। वहाँ पर ललित था, उसको कुछ काम था तो वहाँ पर गए और फिर हम वापस आ चुके अपने होटल को और फिर सारा लगेज अपने बाइक पे लोड करके हम निकल गए काजू ढूंढने, क्योंकि पिछली बार हमने जिस शॉप से काजू लिया था वहाँ से ही हमें परचेस करना था। दूसरी दो तीन शॉप पे देखा लेकिन हमें कुछ मज़ा नहीं आया, तो फिर पूरे गोवा के चक्कर काट काट के हमने वो शॉप ढूंढ निकाला और फिर वहाँ से काजू लेके अभी हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स गोकर्णा। और अभी टाइम हुआ है 4:40, तो आई थिंक कि गोकर्णा पहुँचते पहुँचते शायद से अंधेरा हो जाएगा। वैसे आज हमें जल्दी निकलना था गोकर्णा और एक्सप्लोर करना था वहाँ पे, बट नहीं निकल सके। लेकिन फिर भी अभी ट्राई करते हैं कितने जल्दी पहुंच सकते हैं। बट उससे पहले हमें कराना है फ्यूल अप, क्योंकि मेरे बाइक का रेंज अभी दिखा रहे ओनली 90 किलोमीटर्स, तो फ्यूल अप करा के सीधा बाइक को उड़ा के हम लोग पहुंचेंगे गोकर्णा। रात को ये ब्रिज मस्त दिख रहा था। ओ माय गॉड, व्हाट अ व्यू। गोवा का नहीं, गोवा से गोकर्णा का पूरा जो रोड है ना वो सीनिक वाला है। नहीं ऐसा नहीं है, देख इस बार पहले तो हमें कुछ मज़ा आया नहीं इस बार, और दूसरा हमारा ग्रुप का, हमारे पूरे ग्रुप का बैड लक चल रहा था, क्योंकि हर किसी के साथ कुछ ना कुछ पंगा हो गया और जितने भी ग्रुप से मिले
वो सबने बताया कि भाई हमारे साथ ये पंगा हो गया, हमारे साथ कुछ ये हुआ, मतलब इस बार का IBW कुछ डिफिकल्टी वाला काम था इसीलिए हमने एक ही दिन अटेंड किया और फिर निकल गए गोकरणा के लिए, क्योंकि खाली क्यों टाइम वेस्ट करना है यार। बट एनीवेज हमें IBW अटेंड करना था तो हमने कर लिया और अभी हम लोग निकल चुके हैं अपनी मंजिल की और ले रहे हैं अपने सफर के मजे। और ये रोड काफी बढ़िया वाली, और अभी हमारा डेस्टिनेशन रही है 128 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। वाह, केबल ब्रिज बहुत सुंदर दिख रहा है, अति सुंदर अति सुंदर। यहाँ से हम लोग रात को भी पास हुए थे लेकिन लेट हो चुके थे काफी। यहाँ पर डाइवर्जन, ऐसा ही एक ब्रिज हमारे गुजरात में भी है, वो भरूच में नर्मदा नदी के ऊपर, लेकिन ये बड़ा है उसके। तो बोलेगा स्टेट, हम लोग हर रोज स्टेट चेंज करते रहते हैं। मामू लोग की गाड़ी, क्यों कर्नाटका ड्राई स्टेट है। तो गाइस टनल आ चुकी है, यहाँ पर टनल खत्म होते ही बड़ा सा स्पीड ब्रेकर। आगे और भी है और टनल भी है। तो अभी गोकर्णा रह गया है 45 किलोमीटर, तो अभी गोकर्णा रह गया है 1 किलोमीटर। और आज दिक्कत यह है कि आज हमारा स्टे बुक नहीं है, और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये छोटा सा सिटी होगा। देखते हैं क्या होता है, स्टे मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। लेकिन अगर नहीं मिला तो फिर हमें जाना पड़ेगा टूवर्ड्स उडुपी, यानी 150 किलोमीटर मोर। गूगल में ऐसा लग रहा है कि हमें घुमा रहा है, ऐसे जुगाड़ तो हो जाएगा लेकिन ये लगता बहुत छोटा सा प्लेस है। वो कहते हैं ना, डोंट जज द बुक बाई इट्स कवर। पहली नज़र में तो देखने में ऐसा ही लगा कि ये काफ़ी छोटा वाला सेंटर होगा, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारी भीड़ है और पब्लिक इतनी ज़्यादा है, काफ़ी फॉरेनर्स भी है और बाइक्स भी रेंट पे मिल रहे हैं। मतलब कुछ तो है यहाँ पे। आज रात को रूम में बैठ के पहले तो रिसर्च करना पड़ेगा कि इधर ऐसा क्या है। हाँ कुछ तो यार इधर है, बहुत बड़ा सा रथ है। यहाँ पर एक अंदर भी पड़ा है। वो किसी ने बोला था ना कि यहाँ पर कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है, तो शायद ऐसा मुझे लग रहा है। आज ही वो अंकल बोल रहे थे ना, तो यहाँ पर कृष्ण भगवान से रिलेटेड कुछ तो है। देखिए सारी पब्लिक इधर, जो पीछे शायद वही मंदिर है। चलो हम लोग ये किधर घुस गए, गूगल मैप अपने मजे ले रहा है भाई। आगे रास्ता तो है ना,